दोस्तों देखिए ये एक वाक्य सामने आया है। वृंदावन गए थे सौरभ जोशी जी, तो उसी वक्त वो अपने सब्सक्राइबर अपने फैंस से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वो अपने फैंस को बहुत तवज्जो देते हैं और देखिए तुरंत उसी वक्त अटैक हुआ उनकी आंखों में। कितनी जोर से देखिए बंदर ने खींचा ये चश्मा, बाल बाल उनकी आँखें बची हैं इसमें। ये एक्सीडेंट था, एक ईश्वर ने बहुत बड़ा हाथ दिया, बहुत बड़ा साथ दिया और उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। लेकिन ये बहुत बड़ा अटैक था और ये आपके सामने देख रहे हैं आप कैसे लेके भाग गया है चश्मा बंदर। और ये वाकया अभी कुछ देर बाद फिर उनके साथ हुआ, दो बार हुआ ये वाकया, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों पीछे से बंदर आया और सौरभ जोशी के चश्मे को कैसे निकाल के, और बाल बाल बची है उनकी आँखें। तो देखा दोस्तों आपने कितनी मुश्किल होती है ब्लॉगिंग करना। तो मतलब ब्लॉग भी बना रहे हैं वो, अपने को भी सेव करना है, बहुत मुश्किल होता है। और दो बार अटैक हुआ बंदर का, ऐसा ही अभी एक वाकया और सामने आया है, उसको भी आप देखिएगा। इनसे मिलिए दोस्तों, ये हैं टिहरी के घनसाली के रहने वाले विपिन गोस्वामी। कितनी मुश्किल से इन्होंने यहाँ पर ब्लॉग करने, ये रोज़ की तरह जाया करते थे और आज भी जंगल गए, तो जंगल गए और इजीली वाला ब्लॉग बना रहे थे। अचानक से इनका जैसे सामना हो गया गुलदार से। और देखिए अभी गुलदार जब आ रहा था तो इनके पास की बकरी भी खड़ी है और छोटा भाई भी है, और ये बकरे चराने जाते हैं अक्सर, तो अपना ब्लॉग बना लेते हैं। देखिए कैसे भाग के इनको अपनी जान बचानी पड़ी, पूरा वृतांत आपको दिखाते हैं। थोड़े स्टोरीज की मेपा हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्लिपिंग। तो गाइस देखिए हम पहाड़ी लोग कितनी मुश्किल के साथ ये ब्लॉगिंग करते हैं। सामने देखिए गुलदार है, उसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमको, और गुलदार ने उनकी तरफ देख लिया एकदम से, और साथ में बकरी भी थी उनकी गोद में और भाई था। तो गुलदार उनकी तरफ दौड़ा, बहुत तेज़ी से भागा, और गुलदार तो आप जानते हैं छोड़ता नहीं किसी को और बहुत इसकी रफ्तार होती है। और फिर उन्होंने जैसे तैसे दौड़ लगाई और अपनी जान बचाने के लिए भागे। और देखिए भागते 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 ये देखिए कितना खतरा उन्होंने मोल लिया, इस वक्त गिर भी सकते हैं अचानक से। पीछे उनके गुलदार पड़ा हुआ है और दौड़ लगा रहे हैं वो, अपनी जान बचा रहे हैं और अपनी बकरियों को भी, ये बकरियों को गोद में पकड़ा उन्होंने देखिए, और गोद कैसे अपनी बकरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बहुत मुश्किल होती दोस्तों, देखिए बहुत मुश्किल जान बचाई इन्होंने अपनी। यहाँ से बहुत भारी हो रहा भाई, कुछ नहीं होगा यार, तो देख कुछ नहीं होगा, मेरे साथ दे तू, मुझे वीडियो बंद करनी होगी भाई, पहले इसको जगह पे पहुंचाना होगा। अब मेरी हालत होगी खराब, जा। तो अब पहुंच गए हम घर, घर वाली लोकेशन पर। बकरी बकरी तो सब आ गई घर, मनोज को मैंने पहले ही आगे भगा लिया था कि तू इनको लेके घर चल, वो छोटा बच्चा वहीं छूट गया था, इसको लेके मैं आता हूँ। हालत ख़राब कसम से यहाँ। आजकल ना बकरियों का बहुत, आजकल ना बाघ का बहुत आतंक मचा रखा भाई, दो तीन कुत्ते और एक बकरी और चार पांच बकरी और गाय फर। आज इस महीने ना बाघ ने बहुत सारे अटैक किए भाई। फाइनली गाइस हम घर पर पहुंच चुके हैं। आज तुझे पता हमें क्या मिला बात जंगल में, तुझे अभी वीडियो दिखाते हैं, अभी वीडियो देख कर पता चल जाएगा तुझे कसम से। मनोज से मैंने कहा, मनोज पता तुम्हें बाघ रागाड़ भगो छोड़ो कुत्ते की छुट्टी कितने तब मैं क्षण कर लड़ जाए कसम से। क्यों खेला था आज बाघ ने कसम। तो गाइस आजकल ना बाघ ने ना ऊपर वाला कुत्ता सुगर कर, बकरी बच गई और तू बच गया ये तो हाँ सही बात है दोस्तों। ब्लॉगिंग करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि जिंदगी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिस्क ले लेते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि प्लीज़ इतना रिस्क मत लीजिए, थोड़ा लाइफ को भी ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी आप ब्लॉग बनाएं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगल बगल अपने आजू बाजू देख लीजिए, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारा ध्यान पूरा केंद्रित होता है कैमरे के ऊपर और हम ध्यान दे पाते हैं, और अक्सर ये हादसे हमारे साथ हो जाते हैं, हर ब्लॉगर के साथ होता है ये सब। और DP जो लोग काम करते हैं, बाकी सीरियसली जो लोग लगे रहते हैं ब्लॉगिंग में, तो उनके साथ अक्सर ये वाकई हो जाते हैं ऐसे हादसे, और ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। बहुतों ने अपनी जान भी गंवाई है इसमें, इसमें कोई दुराय नहीं है कि कई ब्लॉगर की जान भी गई। तो मैं सबसे कहूँगा, यही मेरा आज उद्देश्य था आपको ये दिखाने का कि देखिए बच के रहिए, सेफ रहिए, और ब्लॉगिंग सेकेंडरी है, पहले अपनी आपकी लाइफ है उसको सेव करा करिए। थैंक यू वेरी मच।